गीता के 204 पेज में मैं हूँ। इसमें श्री कृष्ण जी बोलते हैं, सांख्योगो पृथ्गलबाला प्रौदंती ना पंडिता एक मैप्यास्थित सम यगु भयो वर्दन्ते फलम। यानी अज्ञानी ही भक्ति कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य से भिन्न कहते हैं। जो वस्तुतः ज्ञानी हैं वे कहते हैं कि जो इनमें से किसी एक मार्ग को भलीभांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त कर लेता है। यानी कर्मयोग को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। कर्मयोग जो है ये भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक जो अध्ययन है ये अलग होता है कर्मयोग। जो वस्तु ज्ञानी है वो कहते हैं कि इनमें से किसी एक मार्ग का भलीभांति अनुसरण करता है वह दोनों फल को प्राप्त कर लेता है। इसका मतलब ये हुआ कि महापुरुष जो हैं एक रास्ता हम लोग को दिखा के गए हैं और उस रास्ते पे हम अगर चलते जाएं, उस रास्ते पे अगर हम बढ़ते जाएं तो हमें ज़रूर सफलता मिलेगी। जो पूर्वज हैं हमारे, जो हमारे फोर फादर्स हैं, वो एक रास्ता ऑलरेडी बना के गए हैं। वो रास्ते पे हमको चलते जाना है, कर्म योग करते जाना है और भक्ति कर्म, कर्मयोग से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है भक्ति कर्मयोग। कोई भी कर्म करें भक्ति के साथ करें, भक्ति जब उसमें ऐड हो जाएगा, जब उसमें आप तन मन धन सब दे देंगे तब वो भक्ति कर्मयोग बन जाता है। और भक्ति कर्मयोग से आप आगे बढ़ते हैं, आपका जो रास्ता है ऑलरेडी कोई पूर्वज आपको दिखा के गए हैं, कोई महापुरुष दिखा के गए हैं और आप सक्सेस उसी रास्ते पर आपको मिलती है। यात संख्ये प्राप्यते स्थानम तथो गैरअपि गम्यते एकम सांख्ये च योग च या पश्यति स पश्यति। जो ये जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन सांख्य, जिसको सांख्य बोलते हैं, विश्लेषणात्मक अध्ययन मतलब एनालिसिस जो बोलते हैं हम लोग उसको, सांख्यिकी स्टैटिक्स बोलते हैं, द्वारा प्राप्त स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति द्वारा भी विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जा सकता है। और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग का एक समान देखता है, एक होता है सांख्य योग जिसको एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी जिसको बोलते हैं, न्यूमरोलॉजी और भक्ति योग डिवोशन में हो के कोई भी योग करना कर्म करना एक समान देखता है, वही वस्तुओं को यथारूप देखता है। तो जो एनालिस्ट न्यूमरोलॉजी और जो भक्ति को डिवोटीज को जो एक साथ देखता है, न्यूमरोलॉजी को और भक्ति योग को जो एक साथ देखता है वो जो होता है वो योगी होता है। दूसरा है संन्यास तु महाबहो दुख माप्तु योगते योग युतो मुनिर ब्रह्मा न चिरेना दिगच्छति। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं बन सकता। भक्ति जरूरी है। भक्ति लगे बिना समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई सुखी नहीं हो सकता। भक्ति के साथ कर्म करना है, बार बार इस बात पे गीता में फोकस किया गया है। परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। जो भक्ति में लगा है, जो भगवान पे भरोसा कर रहा है, जो श्री कृष्ण पे भरोसा कर रहा है और उसके साथ जो भक्ति कर रहा है, अंदर से जो इस तरह से अपना भक्ति को पेश कर रहा है कि यही मेरा धन है, तन मन धन सब यही है, और उसके साथ जो भक्ति कर रहा है वो भक्ति योग बनता है। और वो भक्ति योग में जो भक्ति करता है उसे परमेश्वर भी प्राप्त होती है और उसे सफलता भी प्राप्त होती है। परमेश्वर मिलने का मतलब ही है सक्सेस मिल जाना। दूसरा है योग उक्तो विश्वदात्मा विजी ताजमा जितेंद्रिय सर्वभूतात्मा भूतात्मा कुर्वानपी ना लिप्यते। यानी जो भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन
तथा इंद्रियों को बस में रखता है, वह सबों का प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं, ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ कभी नहीं बनता है। जो भक्तिभाव से कर्म करेगा, जो विशुद्ध आत्मा, आत्मा में उसको कोई पाप नहीं है, जो अपने इंद्रियों को, अपने मन को, इंद्रियां पांच तरह से होते हैं आप जानते हैं, आँख, नाक, कान, त्वचा, जीभ, ये जो पांच इंद्रियां हैं इसको जो बस में रखता है और मन को जो बस में, वो सबों का प्रिय बन जाता है, वो सबों उसके प्रेम करने लगते हैं और सभी के जो प्रेम करते हैं वो व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कभी नहीं बनता है। जय हिंद।